क्या है ही नहीं, सबसे मुश्किल काम है शहरी में जगा कर खिलाना घर वालों को। बिरयानी मैंने बनाई है, अभी गर्म करी है, खाएंगे शहरी में वो पूरा दिन रोजे में। अब पता नहीं, हम तो टेस्ट के लिए खाते हैं। सोती है घर में, ये है देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 4 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ गुलोस। इमाम साहब नहीं खाते हैं बिरयानी, आज मैंने बनाई है बिरयानी शहरी के लिए, लेकिन जो इमाम नहीं खाते उसके लेकिन गुलोस बनाने का लास्ट के लिए बिरयानी मैंने बनाई है, अभी गर्म करी है, खाएँगे। और बच्चे इस वक्त सब सो रहे हैं घर में, सन्नाटा है, बज रहे हैं सुबह के 4:15। रोटी है जो रखी हुई है, बिरयानी बन रही है। और जी व्यूवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शहरी में, साथ साथ हम बता रहे हैं फेनिया। इसमें देखो दूध में जो है मैंने चीनी डाल दी है थोड़ी सी, और ये दूध पक रहा है, अब ये गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी। ये फेनिया है मेरे हाथ में, ये देखिए। ये कराची वाले जब फेनिया ना खाएं शहरी में तो लगता ही नहीं कि शहरी हुई है। फेनिया खाएंगे मज़े मज़े की, कहते फेनिया खाने से प्यास नहीं लगती शरीर में वो पूरा दिन रोजे में। पता नहीं, हम तो टेस्ट के लिए खाते हैं। ये देखिए लीवर से फेनिया पक रही है, ये चावल गर्म बिरयानी गर्म हो रही है और ये फेनिया पक रही है, और ये नरम हो जाएंगी तो इसे उतार देंगे, फेनिया हमारी हो जाएगी तैयार। आप भी फेनिया बनाएं और इंजॉय करें, बहुत मज़ा आता है मीठी मीठी फेनिया खाने में। शहरी 4:30 बज गए, बच्चों को उठाना है व्यूअर्स, चलें बच्चों को उठाते हैं। जी जनाब, ये हमारी फेनिया हो गई हैं बिल्कुल तैयार, और बस अब इसे हम निकालेंगे और सर्व करेंगे, खाएंगे, मीठा भी होना चाहिए ना साथ साथ। ये गरम गरम फेनिया, गरम गरम फेनिया तैयार हो गई है। जी जनाब, ये हमारी फेनिया हो गई हैं बिल्कुल तैयार, और बस अब इसे हम निकालेंगे और सर्व करेंगे, खाएंगे, मीठा भी होना चाहिए ना साथ साथ। ये गरम गरम फेनिया, गरम गरम फेनिया तैयार हो गई है। जो व्यूअर्स, ये मैंने शहरी लगा दिए, लेकिन अब तक देखिए दस्तखान खाली है, कोई उठ के आया ही नहीं। सबसे मुश्किल काम है शहरी में जगा कर खिलाना घर वालों को। जब तक मैं सबको उठाती हूँ शहरी खिलाती हूँ, आप भी शहरी खाइए। सहरी हो चुकी है, अब चाय और कहवे का दौर चल रहा है, सब अपने अपनी जगहों पर चले गए, सो गए हैं। इंशा भी सो गई है, बस मैं और इनके पापा चाय पियेंगे, और इंशा भी छोटे चाय स्लाइस खाएगी, इनके अपा जी कहवा पियेंगे। और किचन का सब किया नाश है, जो कि मुझे पूरा साफ करना है। घर की साफ सफाई हो गई है, इंशा लॉन्च में सो गई, क्योंकि यहाँ चल रहा है पंखा, तो इंशा को सोना पंखे में, बाकी बच्चे जो पंखा बंद करके सो रहे हैं रूम में, और किचन विचन सब साफ हो गया। बस फीवर से मैं क्रशिंग करने बैठ रही हूँ, और माशाल्लाह से मेरा 12वां आज 13वां सिपारा शुरू होने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से क्रशिंग पढ़ ही रही हूँ। रमजानों में पूरा क्रशिंग जो है घर के काम काज जितने होते हैं पूरे 30 क्रशिंग एक साथ ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए पहले से ही शुरू कर लेना चाहिए रमज़ान से पहले ही।
जी वीवर्स सैरी हो चुकी है और किचन मैंने पूरा जो है साफ़ सुथरा कर देता है। और जो है अब मैंने फजर भी पढ़ ली है और सब सो गए हैं खैर से। सबसे पहले औरत उठती है और सबसे आखिर में औरत सोती है घर में। ये है, देख लें हम औरतें कितनी मेहनती होती हैं। तो बस अब नमाज़ पढ़ ली फजर की मैंने और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो है पांचवा रोज़ा नसीब किया। अल्लाह पाक का करम है। और बस अब मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी। फ्रिज में करंट आ रहा है लग रहा है मुझे। मैं कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ जब तक। और बस अब वीलॉग को एंड करते हैं। फजर हो गई, आप लोगों को भी सोना होगा। मैं भी कुरान शरीफ पढ़ के सोती हूँ खैर से। फिर आज तो सैटरडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो बस इनके अब्बा जी जाएंगे काम पर। आंखों में रोशनी लग गई बहुत ज़्यादा। और फिर बच्चे और हम मंड के सोएंगे आज, वरना तो स्कूल से लाना, पैदल आधे घंटे जाना आना, गर्मी में, गर्मी तो नहीं है लेकिन दोपहर का टाइम ठीक ठाक गर्मी होती है कराची में, तो मैं बहुत जो ना हमारा गला सूख जाता है, ऐसे तक कांटे चुभ रहे हैं। बच्चे तो बेचारे पानी भी नहीं पी सकते। मैं तो खैर घर से सो के उठ जाती हूँ, बच्चे तो वो सुबह फजर के जागे हुए होते हैं, सहरी के जागे हुए होते हैं। शहर से बच्चे सो गए और कल इंशाल्लाह अम्मी के घर जाऊँगी और अब्बू की कब्र पर भी चक्कर लगाना है। मुझे अब्बू बार बार ख्वाब में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने छोड़ दिया ना मुझे। तो ये बात अब्बू की जो है मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं ख्वाब में आके। तो मैं कह रही हूँ कि इनकी कब्र का एक जो है ना चक्कर लगा के आ जाऊँ और सूर्य मुल्क की तलावत करके आ जाऊँ कब्र पर अब्बू को। बस कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आना था, सोचा नहीं था कि अब्बू से मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। सब अल्लाह की मर्ज़ी है। दुनिया में ये जो है सबसे बड़ी हकीकत यही है। तो व्यूअर्स अब जो है हाथ दुख गया, मैं बोल बोल के थक गई इब्राहिम को कि मुझे एक सेल्फ़ी स्टिक ला दो, मुझे एक व्लॉग की स्टिक ला दो, 150-200 की आती, लेकिन नहीं। बीवी के ऊपर खर्चा करने का बहुत ज़्यादा जो है ना सोचना पड़ता है मियाओं को। तो ये बहुत सोच समझ के बीवी के ऊपर खर्चा करते हैं आज के हस्बैंड। तो मेरा हाथ दुख जाता है मोबाइल पकड़ पकड़ के। तो व्यूअर्स मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सबको पांचवा रोज़ा मुबारक हो और अल्लाह पाक जो आपके हमारे रोज़े कबूल फरमाए, हमारी इबादतें कबूल फरमाए और आपकी और हमारी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा करें, हमारी मगफरत फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमामीन। और सबको रोज़ा रसूल और खाने काबा की ज़ियारत अल्लाह पाक नसीब फरमाए। रमज़ान में हम सब जो है खाने काबा में इफ्तार करें, मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने बैठ के इफ्तार करें। अल्लाह पाक ये दिन हर मुसलमान की ज़िंदगी में रमज़ान में ज़रूर आए और हमारी ज़िंदगी में भी। आमीन सुमामीन। थके बोल बोल के रोज़ा ज़्यादा नहीं बोल रही, मैं जाकर कुरान की तिलावत करना। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टाटा बाय। मैंने अगले व्लॉग में। टाटा।